Namaste, welcome to your channel Global Outlook. पाकिस्तानी इकोनॉमिक कंडीशन लेके हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे. अभी हाल ही में एक न्यूज़ आया है कि IMF से जो बेल आउट पैकेज मिलने वाला था पाकिस्तान को, वो अभी हॉल्ट पे चला गया. IMF ने साफ बोल दिया कि अभी फिलहाल के लिए वो कोई बेल आउट पैकेज पाकिस्तान के लिए रिलीज नहीं करने वाले हैं. तो पाकिस्तानी PM मिस्टर शरीफ, उन्होंने अभी क्या किया, एक प्राइवेट प्लेयर के पास जिसका नाम है रॉथशाइल्ड एंड कंपनी, उनके पास चला गया एड के लिए. तो ये प्राइवेट प्लेयर, ये जो रॉथशाइल्ड एंड कंपनी है, इनको लेके पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मेन टॉपिक में फिर से वापस आएंगे हम लोग. तो रॉथशाइल्ड एंड कंपनी कौन है, ये अचानक से कैसे एक देश को लोन देने वाला है, इतना पावर इन लोगों के पास कैसे आ गया, ये लेके थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे. रॉथशाइल्ड एंड कंपनी के बारे में आप लोगों को शायद पता होगा, यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा रॉथशाइल्ड एंड कंपनी को लेकर. तो यहाँ पे क्या होगा कि रॉथशाइल्ड एंड कंपनी बेसिकली एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप है, जो कि आपका वर्ल्ड का 40 कंट्री में अक्रॉस द वर्ल्ड यहाँ पे वो बिजनेस करते हैं. और ये लोग बेसिकली बैंक को ओन करते हैं, बहुत सारा बैंक है इन लोगों के पास जो कि रॉथशाइल्ड एंड कंपनी ओन करते हैं. रॉथशाइल्ड एंड कंपनी को बोला जाता है कि वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट जो फैमिली होता है ना, वो रॉथशाइल्ड एंड कंपनी. अगर रिचेस्ट फैमिली हम लोगों को बोला जाए, तो पहले ही हम लोगों के दिमाग में आ जाता है कि जेब बेजोस या फिर एलन मस्क, फिर हम लोगों के यहाँ पे मुकेश अंबानी, अदानी, इन लोगों का नाम आ जाता है. लेकिन बेसिकली क्या होता है दोस्तों, कि इन लोगों के पास जो वेल्थ होता है ना, इन लोगों के पास इतना कैश पैसा नहीं होता, या फिर इनका प्रॉपर्टी भी इतना ज़्यादा नहीं होता. इन लोगों का जो वेल्थ दिखा जाता है, तो इन लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो शेयर है, ऑर्गेनाइजेशन का जो शेयर का प्राइस है, वो उन लोगों के वेल्थ के साथ जोड़ के ये जो वेल्थ है, ये जो पैसा है उन लोगों का, ये दिखाया जाता है. लेकिन रॉथशाइल्ड एंड कंपनी या फिर रॉथशाइल्ड फैमिली जो है, इन लोगों के पास एक्चुअली में इतना ज़्यादा वेल्थ है. ये बोला जाता है कहीं कहीं जगह पर, तो बोला जाता है कि इन लोगों के पास $500 trillion का वेल्थ है. लेकिन ये एक्चुअली में नहीं होगा, वो तो मैसिव हो गया. लेकिन 500 बिलियन तक उन लोगों के पास वेल्थ है. तो ये $500 बिलियन अब कम नहीं होता है दोस्तों. ये बहुत सारा देश है दुनिया में जहाँ पे $500 बिलियन की है, उनके आसपास भी उनका इकोनॉमी नहीं होता है. तो इन लोगों के पास अकेले एक फैमिली के पास $500 बिलियन का वेल्थ है, ये आप सोच लीजिए थोड़ा. फिर एक आयरनी यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि रॉथशाइल्ड एंड फैमिली, ये जो फैमिली पे ये जो कंपनी है रॉथशाइल्ड एंड कंपनी, इसका जो फाउंडर है, जो फाउंड किए थे इस कंपनी का, उनका नाम है मायर एम्शल रॉथशाइल्ड बेसिकली एक ज्विश एथनिसिटी से बिलोंग करते थे. वो थे फ्रैंकफर्ट जर्मनी से. तो फ्रैंकफर्ट जर्मनी से आके ये अपना बिजनेस किया, वहाँ से उनका एम्पायर क्रिएट हुआ, फिर अभी रॉथशाइल्ड एंड फैमिली जहाँ पे है वहाँ पे बिलोंग करता है. लेकिन एक आयरनी यहाँ पे जो बात कर रहे थे हम लोग, आयरनी के जी, ये जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया अभी कि ये ज्यूइश एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब रॉथशाइल्ड एंड फैमिली एक ज्यूइश एथनिसिटी का फैमिली है, वो जुडाइज्म को फॉलो करता है. और पाकिस्तान एक कंट्री है जहाँ पे जुडाइज्म को लेकर बहुत ज़्यादा मौक होता है. वो वहाँ पे ज्विश को लेकर, जुडाइज्म को लेकर, उनका कल्चर को लेकर बहुत ज़्यादा मौक होता है. और फिर पाकिस्तान एक कंट्री है जो इसराइल को कंट्री की तरह भी ट्रीट नहीं करता है. वहाँ पे अभी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रॉथशाइल्ड एंड कंपनी के पास गया है एड के लिए, जो कि एक ज्यूइश एथनिसिटी से बिलोंग करता है. सो आप समझ सकते हैं कि आयरनी कैसे, मतलब आयरनी कहाँ पे है. अभी यहाँ पे इस स्लाइड पे आप देख पाओगे कि रॉथशाइल्ड 2023 में जो नेट वेल्थ जो बताया जाता है, वो यहाँ पे है $500 बिलियन का वेल्थ है उन लोगों के पास अभी. तो $500 बिलियन से मैसी. अभी ये एक नॉर्मली क्या देखा जाता है कि कोई देश का गवर्नमेंट एक दूसरे देश का गवर्नमेंट से लोन मांगता है, या फिर लोन लेता है, या फिर कोई इंटरनेशनल सोसाइटी जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ऐसा एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ऐसा कोई इंटरनेशनल सोसाइटी से वो लोन लेता है. लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि पाकिस्तान एक प्राइवेट प्लेयर के पास से लोन ले रहा है. वैसे रॉथशाइल्ड एंड कंपनी बहुत सारे देशों में लोन देता है, गवर्नमेंट को डायरेक्टली लोन देता है. लेकिन पाकिस्तान के केस में अभी ये देखा जा रहा है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में ये पहली बार हो रहा है. साउथ ईस्ट एशिया में इससे पहले कभी भी नहीं हुआ कि कोई प्राइवेट फार्म आके किसी देश को लोन दे रहा है.
अभी यहाँ पे एक देख सकते हो, ये पाकिस्तानी एक पेपर का कटआउट है, न्यूज़पेपर का कटआउट है, वहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि ये जो दो आदमी बैठा हुआ है ना यहाँ पे, ये दो आदमी रॉथशाइल्ड का रिप्रेजेंटेटिव है, और ये जो है यहाँ पे ये लोग सारे पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव है। तो यहाँ पे इन लोगों का बातचीत चालू हो गया है, शायद उन लोगों को रॉथशाइल्ड से जो एड मांगा है पाकिस्तान वो मिल भी जाए। अभी रॉथशाइल्ड एंड कंपनी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अभी पाकिस्तान के इकोनॉमी में एंटर हो गया, पाकिस्तान को लोन दे रहा है, तो पाकिस्तान का जो सॉवरेनिटी है, पाकिस्तान का जो फ्रीडम है, उसके आगे भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। देखिए पहले ही पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा डेट ट्रैप में फंसा हुआ कंट्री था, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि चाइना ने लोन दे दिया, यूएसए ने लोन दे दिया, और बहुत सारा देश जैसे कि यूएई, सऊदी अरब, बहुत सारा देश पाकिस्तान को लोन दिया है इन द पास्ट। तो पाकिस्तान एक लोन ड्रिवन इकोनॉमी हो चुका है ऑलरेडी। तो वहाँ पे अगर एक प्राइवेट फर्म भी आ जाता है, तो प्राइवेट फर्म आप समझ सकते हो वो बिना मतलब का लोन तो देगा नहीं, वहाँ पे कुछ ना कुछ शर्त तो पाकिस्तान के सामने ज़रूर रखेगा, क्योंकि अपना फ़ायदा पहले देखेगा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे पहले ही पाकिस्तान के पास बहुत कम फ्रीडम बचा हुआ था, चाइना का पहले सुनना पड़ता था, फिर यूएसए का सुनना पड़ता था, बाकी कंट्रियों में भी सुनना पड़ता था, अभी एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म में आ गया है उसका भी बात सुनना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के आम आवाम के पास शायद ही कुछ फ्रीडम बचा होगा अभी, और पाकिस्तान एक कंट्री बन जाएगा जहाँ पे खुद से वो कोई इकोनॉमिक डिसीशन, कोई फाइनेंशियल डिसीशन शायद ही अभी ले पाएगा बाद में। और ये एक यहाँ पे जो इम्प्रेशन जा रहा है कि साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, पहली बार हो रहा है कि कोई देश प्राइवेट एंटिटी से लोन ले रहा है, एड ले रहा है। तो बाकी जो जितना भी कर बोल रहे हो, मालदीव है, या फिर आपका श्रीलंका हो गया, फिर आपका बांग्लादेश हो गया, जिसका भी जिनका इकोनॉमी थोड़ा सा अभी वीक स्टेज पे है, वो लोग भी अभी रॉथशाइल्ड एंड ब्रैनर के पास या फिर कोई दूसरा प्राइवेट एंटिटी के पास जा सकता है लोन के लिए। ये एक एग्जाम्पल सेट हो गया पाकिस्तान को लेके, जो कि मेरे ख्याल में उतना खास कुछ ठीक नहीं होगा साउथ ईस्ट एशिया के फ्यूचर के लिए। अभी पाकिस्तान का जो बेल आउट पैकेज है आईएमएफ, वो आईएमएफ का कुछ शर्त है वहाँ पे, वो जब तक फुलफिल नहीं होगा तब तक आईएमएफ तो बेल आउट पैकेज अनाउंस नहीं कर रहा है पाकिस्तान के लिए, लेकिन बेल आउट पैकेज शायद मिल जाएगा पाकिस्तान को, लेकिन उसमें कुछ लेट तो होगा, तब तक ये रॉथशाइल्ड एंड कंपनी का एड पाकिस्तान को ज़रूर मिल जाएगा। हालांकि पाकिस्तान, हम लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान एक डिफॉल्ट स्टेट बन चुका है या फिर डिफॉल्ट करने जा रहा है इन द वार्ज ऑफ डिफॉल्ट, बट देखिए कोई भी कंट्री अगर डिफॉल्ट होता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है वो कंट्री फिर से खड़ा नहीं हो पाएगा, वो कंट्री एकदम खत्म हो गया वहाँ पे। हाँ, दिक्कत तो आएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा, वहाँ पे जॉब नहीं होगा, वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब होगा, वहाँ पे जितना थोड़ा बहुत भी जो इन्वेस्टमेंट जो भी आ रहा था फॉरेन प्लेयर से या फिर फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से, वो बंद हो जाएगा। तो ये सब दिक्कत तो आएगा, लेकिन इसके बावजूद पास्ट में देखा गया बहुत सारा कंट्री जो है ये इकोनॉमिक डिफॉल्ट हुआ है फिर वहाँ से खड़ा हो पाया है, जैसे रशिया भी हुआ है पहले, तो पाकिस्तान भी शायद खड़ा हो पाएगा, लेकिन इसमें दिक्कत बहुत ज़्यादा आएगा। तो कोई भी कंट्री वो दिक्कतें उठाना नहीं चाहता, खास करके पाकिस्तान तो एक बार भी नहीं उठाना चाहता, क्योंकि 13 बार 13 14 बार या फिर 22 बार, सॉरी, वो आईएमएफ के पास चला गया है, और आईएमएफ से वो लोन भी ले चुका है, लेकिन आईएमएफ का कोई भी शर्त वो अभी तक फुलफिल नहीं किया। अगर कर लिया होता, जैसे कि इंडिया भी गया था आईएमएफ के पास, लेकिन आईएमएफ का जो जितना भी सारा शर्त था, इंडिया ने एक एक शर्त को पूरा किया था, तभी इंडिया का इकोनॉमी आज जिस स्टेज पे है वह उस स्टेज पे आ पाया है। तो पाकिस्तान कभी भी वो शर्त को पूरा नहीं कर पाया, तो वहाँ पे इकोनॉमी भी अभी तक कभी भी वहाँ पे इकोनॉमी प्रॉस्पर नहीं हो पाया है। तो अभी देखा जा देखते हैं कि फिलहाल क्या होता है, कितना पैसा मिलता है रॉथशाइल्ड ब्रदर्स से पाकिस्तान को, या फिर क्या क्या शर्त आता है वो पैसे के साथ, वो देखना पड़ेगा। डेफिनेटली एक अपडेटेड वीडियो, जब भी इसका कोई अपडेटेड न्यूज आएगा मैं एक वीडियो ला दूंगा आपके लिए। तब तक के लिए आप अपना खुद का चैनल ग्लोबल आउटलुक को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे।